हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th का एक त्रिकोणमिति का चैप्टर है, पूरक कोणों का त्रिकोणमिति फलन। ये एक्सरसाइज 8.3 है आपकी। एक्सरसाइज है 8.3, 8.2 तक आपने कर लिया होगा, ये 8.3 है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि पूरक ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। एक तो होता है पूरक, एक होता है पूरक का मतलब होता है जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो उसको हम पूरक कहते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है, तो अगर दो एंगल का सम ए प्लस बी 90 हो तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 माइनस ए। तो हमको यही वाले कुछ फार्मूले देखने हैं। तो पहले तो हम फार्मूले लिखने जा रहे हैं, उन फार्मूले आप खुद देख लीजिए और उन्हें याद भी कर लीजिए। याद करने का तरीका भी है लेकिन ये देख लीजिएगा। देखिए, अगर साइन 90 माइनस, जरा इसको समझा दें पहले, आप पहले समझ लीजिएगा, एक दो तब लिखिएगा, ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, जैसे हम कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल लिख दें, एक त्रिकोणमिति के हिसाब से ये राइट एंगल ट्रायंगल लिख दिया हमने ए बी सी। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है। अब आप जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो ये 90 है तो इन दोनों का सम भी 90 होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको थीटा मानता हूं, इसको मैं थीटा मान लू, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये होगा 90 माइनस थीटा, होगा नहीं होगा। तो हम इस वाले एंगल और इस वाले एंगल में रिलेशन निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए, जरा पहला फार्मूला देखिए, सावधानों के देखिएगा। अगर मैं लिख दूं साइन 90 माइनस थीटा, तो आपने पढ़ा है कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण। तो देखिए, जब मैं 90 माइनस थीटा लेता हूं, यानी ये वाला एंगल, तो परपेंडिकुलर कौन साइड होती है, जिस एंगल को आप लेते हैं उसके सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है, लंब होती है, और 90 के सामने कर्ण होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, और थर्ड साइड बेस होती है। तो इस एंगल के हिसाब से जो बीसी है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, और एसी जो है वो क्या है, वो हाइपोटेन्यूज है यानी कर्ण है। तो ये लंब बटे कर्ण हो गया बीसी अपान एसी। जरा इसको छुपा लीजिए, छुपा लिया आपने। अगर मैं इसमें कॉस थीटा लिख देता हूं, तो कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। तो थीटा के हिसाब से ये बीसी आधार हो जाएगा, यानी बीसी अपान एसी थीटा के हिसाब से क्या होगा, कॉस थीटा, और इसके हिसाब से क्या होगा, साइन होगा। तो आपने क्या देखा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये इस तरीके से आपको याद करना है। दूसरा फार्मूला है कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, ये होता है साइन थीटा। ये याद रखिएगा, साइन कॉस में बदलता है और कॉस साइन में। तीसरा फार्मूला है टेन 90 माइनस थीटा, किसमें बदलता है, कॉट में, कॉट थीटा। चौथा है कॉट 90 माइनस थीटा, यह बदलता है टेन में, यह एक दूसरे में बदलते हैं। ठीक है, अगला है सेक 90 माइनस थीटा, बदलता है कॉसेक थीटा में, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बदलता है सेक थीटा में। तो ये फार्मूले हो गए छह। वो ध्यान से समझिएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। इन्हीं फार्मूले का इस्तेमाल करके हम क्वेश्चंस लगाने जा रहे हैं। एक्सरसाइज है 8.3, जरा देखिए ध्यान से। 8.3 का पहला क्वेश्चन, हम कोशिश करेंगे जो एंगल्स होंगे, जो कोण होंगे, एक जैसे हो जाए। जैसे पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट देखिए, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट देखिएगा। साइन 18 साइन 18 डिग्री अपान कॉस 72 डिग्री, कॉस 72 डिग्री। देखिए ध्यान से, ये 18 है या 72 है, या तो इसको 72 बदल दीजिए या तो इसको 18 बदल दीजिए, किसी एक को एक में बदलना पड़ेगा आपको। देखिए कैसे बदलेंगे आप, वो ध्यान से समझिएगा। मैं साइन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोण के बारे में बात कर रहा हूं। 18 की जगह लिख सकते हो 90 माइनस 72, 18 की जगह लिख सकते हो, 18 की जगह
साइन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। तो हम क्या लिखेंगे, साइन 18 को क्या लिखेंगे, 90 माइनस 72, 18 की जगह, और नीचे ऐसे लिखा रहने दो cos 72। अब जरा देखिएगा, अगर इसको देखिए साइन 90 माइनस थीटा, क्या थीटा की जगह क्या लिखा है 72, 72 लिखा हुआ है, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा cos 72, और नीचे क्या लिखा है cos 72, ये कट जाएंगे दोनों, वैल्यू क्या आएगी 1। इस प्रकार से बदलना होता है, केवल कोण को देखना है कि कोण को आपने कैसे चेंज किया है, ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट देखिएगा, cos 48 माइनस साइन 42, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, हमें ना तो cos से मतलब है ना तो साइन से मतलब है, यहां कोण है 48, एंगल है 48, यहां एंगल है 42, मैं चाहता हूं एंगल सेम हो जाए, तो हम 48 की जगह, 48 की जगह cos से नहीं मतलब है, लिख सकते हैं 90 माइनस 42, क्योंकि 90 माइनस 42 करोगे तो क्या आएगा 48 आएगा, तो लिख दीजिए यहां पर cos 90 माइनस 42 माइनस, इसको ऐसे लिखा रहने दो क्योंकि ये तो 42 है ही है, cos 90 माइनस थीटा, थीटा यहां पर क्या है 42, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, तो यह आ जाएगा sin 42 माइनस sin 42, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। थर्ड पार्ट देखिए इसका, थर्ड पार्ट tan 26 cot 64, tan 26 डिग्री अपान cot 64 डिग्री, आप या तो 26 को 64 बना दो या 64 को 26 बना दो, तो हम 26 को ले सकते हैं 90 माइनस 64, इसको हल करोगे तो 26 ही लिखा हुआ है, क्यों लिखने का तरीका हमने बदल दिया वहां पर, और नीचे ऐसे ही लिखा रहने दो cot 64, tan 90 माइनस थीटा देखेंगे तो थीटा क्या है 64, थीटा क्या है 64, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, तो ये हो गया cot 64, cot 64 अपान cot 64, ये क्या आ जाएगी वैल्यू 1, ऊपर नीचे कट जाएगा, तो ये आपका इसका फोर्थ पार्ट देखिएगा, फोर्थ पार्ट अपने आप करिएगा, एक आध पार्ट करिएगा अपने आप। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ध्यान से इसको लगाइएगा, टफ नहीं है, थोड़ा टेक्निकल है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, फॉर्मूला चूंकि लिखा है इसलिए इसको रब नहीं कर रहे हैं, इसमें पहला पार्ट कह रहा है, इसको दिखाना है आपको कि एक चीज लिखी है उसको 1 प्रूव करना है, तो हम इसको पहले तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इसका LHS लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है tan 48 डिग्री, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, और इसकी वैल्यू करना है 1 प्रूफ करना है, किसकी वैल्यू 1 आएगी। देखिए ध्यान से, ये 48 है और ये 42 है, तो ये आपस में बदल सकते हैं, 48 की जगह लिख सकते हो 90 माइनस 42, ये 42 ऑलरेडी है इसको मत छेड़िएगा, ये 23 है, ये 67 है, 23 को लिखा जा सकता है 90 माइनस 67, तो ये हो जाएगा इंटू टेन 90 माइनस 67, इसको ऐसे लिखा रख दो इंटू टेन 42 इंटू टेन 67, ये डिग्री है ऊपर लिखी हुई है, ये इंटू नहीं है, ऊपर डिग्री लिखी हुई है यहाँ पर। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा, थीटा यहां क्या है 42, tan 90 माइनस थीटा क्या है cot थीटा, तो ये हो गया cot 42 डिग्री इंटू 90 माइनस 67, cot 67 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, जिसकी पहले वीडियो हमने बताया है कि cot और tan एक दूसरे के उल्टे होते हैं, यानी इस tan 42 cot 42 को 1 अपॉन tan 42 ले सकते हैं इंटू, इसको 1 अपॉन tan 67 ले सकते हैं इंटू, ये लिखा रहने दो tan 42, ये लिखा रहने दो tan 67, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और यही आपको दिखाना था राइट हैंड साइड, यही सिद्ध करना है, ठीक है। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट देखिए क्या है, दूसरे का सेकेंड पार्ट,
उसमें आपको एक चीज लिखी है उसको जीरो प्रूफ करना है। वही तरीका इसका, लेफ्ट हैंड साइड लीजिए और राइट हैंड साइड प्रूफ करिए। हम सेकेंड पार्ट का, सेकेंड का सेकेंड पार्ट, एलएचएस ले लिया पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड, कॉस 38 डिग्री इसको बदलना पड़ेगा, ट्रांसफार्मर को एसी बंद कर दो, पंखा चला लो, एसी बंद कर दो, पंखा चला लो, पहले पंखा चला लो बाद में। देखिए कॉस 38 डिग्री, कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री, साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, और इसको जीरो प्रूव करना है। तरीका वही होता है भी कोण एक जैसे हो जाए, एंगल एक जैसे हो जाए। 38 को ले सकते हो 90 माइनस 52 और ये कॉस है, इसको मत छेड़िएगा, ये कॉस 52 लिखा रहने दीजिए माइनस। अब जरा थोड़ा दिमाग लगाएंगे हम, जो लगा रहे हैं सही है गलत है मुझको नहीं मालूम, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। जब इसको हम खोलेंगे जरा देखिए ध्यान से, इधर कॉस है दोनों, इधर साइन है दोनों। अब या तो दोनों एक जैसे हो जाए तो ये कट जाएगा, इसको खोलेंगे तो साइन 52 आएगा, साइन 52 यहां लिखा हुआ है, ये कॉस 52 है। तो ऐसा करिएगा इस साइन 52 को मत छेड़िएगा, इसको लिख दीजिएगा, सबको 52 में चेंज कर रहे हैं हम, साइन 90 माइनस 52 इंटू साइन 52। देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा साइन 52 या साइन 52 इंटू कॉस 52 माइनस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा है, कॉस 52 इंटू साइन 52, ये कट जाएंगे सब दोनों, वैल्यू क्या आएगी जीरो। यही प्रूफ करना था, ये पूरी चीज वैल्यू, ये पूरी वैल्यू सेम है, इसलिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अलग अलग नहीं कटेंगे, पूरा एक साथ काटेंगे ऐसे। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। जरा तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 और 2a जो है वो न्यून कोण है, एक्यूट है, तो a का मान निकालिए। देखिए अगर दोनों तरफ tan होता, अगर हम यहां लिख देते कि tan a बराबर tan b तो a बराबर b हो जाता, दोनों तरफ cot होता तब भी हम लिख सकते थे, लेकिन एक तरफ tan एक तरफ cot है, गड़बड़ है। तो देखिए ध्यान से, इसको हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस, एक सेकेंड थोड़ा दिमाग लगाइएगा, अगर मैं इसको लिख दूं cot 90 माइनस 2a, अगर मैं ऐसा लिख देता हूं cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो tan ही तो लिखा हुआ है, तो इसको cot 90 माइनस 2a लिखा जा सकता है। इधर क्या हो गया cot a माइनस 18, कंपेयर कर दो तो 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। अब इसको जैसे बीजगणित सॉल्व करते हैं अलजेब्रा, 18 को इधर लिया हो जाएगा 90 प्लस 18 और माइनस का 2a उधर जाएगा तो हो जाएगा 3a, ये आएगा 108 इज इक्वल टू 3a, a की वैल्यू आएगी 108/3 36, तो a का मान कितना आएगा 36 डिग्री, ये a की वैल्यू आएगी। ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। जरा फोर्थ देखिएगा, इसमें फोर्थ में दिया है, फोर्थ में एक चीज गिवन है, दिया है क्या दिया है, tan a इज इक्वल टू cot b, tan a इज इक्वल टू cot b, और कह रहे सिद्ध करो, प्रूफ करना है, सिद्ध करो कि a प्लस बी बराबर
90 डिग्री, जरा समझिएगा। अगर दोनों तरफ टेन होता तो तुलना कर सकते थे, दोनों तरफ कॉट होता तब तुलना कर सकते थे। जरा क्वेश्चन नोट करिएगा, टेन ए बराबर कॉट बी। अब या तो दोनों तरफ आप टेन कर दीजिए या दोनों तरफ आप कॉट कर दीजिए। देखिए हम टेन ए को चाहें तो लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस ए, रहना टेन ही चाहिए क्योंकि कॉट 90 माइनस ए करेंगे तो टेन ही तो आएगा, इज इक्वल टू कॉट बी। अब तुलना कर दो तो 90 माइनस ए बराबर बी, माइनस के ए उधर ले जाओगे तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 90। ये आपका प्रूफ हो गया, वो ध्यान से करिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिएगा, sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20। फिफ्थ क्वेश्चन है sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20, और कह रहे 4a जो है वो एक न्यून कोण है तो a का मान निकालिए। वही तरीका होता है दोनों तरफ sec हो जाए या दोनों तरफ cosec हो जाए, तो sec 4a को ले सकते हैं cosec 90 माइनस 4a। जरा ध्यान से समझिएगा, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा होता है, तो लिखा यही है अल्टीमेटली, थोड़ा चेंज कर दिया गया है, बराबर cosec a माइनस 20। अब तुलना कर दीजिए तो 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। 20 को इधर ले आइए तो 90 प्लस 20, 4a को उधर ले जाइए तो 5a, ये आएगा 110, और 5 को बटे में ले आइए a, तो a का मान आ जाएगा 22, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 22। ये पांचवा क्वेश्चन है। जरा छठा क्वेश्चन समझने के पहले थोड़ा दिमाग लगा लीजिएगा, देखिए ध्यान से। कहते हैं त्रिभुज ABC में साइन प्रूफ करना है कि साइन बी प्लस सी बाई टू, बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉज ए बाई टू, कॉज ए बाई टू। जरा समझिएगा, त्रिभुज एबीसी में जब मैं बात करूंगा त्रिभुज एबीसी मतलब उसके कोण भी एबीसी होंगे, आपको बी प्लस सी चाहिए तो आप कहेंगे भाई हम जानते हैं, हमें मालूम है ये चीज कि त्रिभुज के तीनों एंगल का जो सम होता है ए प्लस बी प्लस सी वो कितना होता है 180 डिग्री, मालूम है आपको। यहां बी प्लस सी है तो जब यहां से बी प्लस सी निकालेंगे तो क्या आएगा 180 माइनस ए, यहां बी प्लस सी बाई टू है तो जब बी प्लस सी बाई टू करोगे तो आएगा 90 माइनस ए बाई टू, दोनों को टू से भाग कर दिया तो इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है 90 माइनस ए बाई टू। अब जरा देखिए, अतः अब हम लिखने जा रहे हैं साइन बी प्लस सी बाई टू, इसकी जगह क्या लिखेंगे आप साइन 90 माइनस ए बाई टू। अगर मैं साइन 90 माइनस थीटा लिखता हूं तो थीटा यहां पर क्या है ए बाई टू, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो ये आएगा कॉस ए बाई टू। तो ये आपका सिक्स क्वेश्चन है। सेवन देखिए, सेवन कह रहा है कि साइन 67 प्लस कॉस 75, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, इसको 0 से 45 के बीच लिखिए आप, मतलब ये जो कोण आपके 67 और 75 हैं वो 0 से 45 के बीच आ जाए। देखिए 67 को लिख सकते हो 90 में क्या माइनस कर दे 67 आ जाएगा, तो आप कहेंगे 90 में 23 माइनस कर दो, तो हम क्या करेंगे 67 को लिखेंगे 90 माइनस 23। एक्चुअली में ये 67 ही लिखा हुआ है लेकिन कोण थोड़ा छोटा हो जाएगा 23 हो जाएगा, और 75 को लिख सकते हैं 90 माइनस कॉस 90 माइनस क्या लिख सकते हैं 15। अगर 90 में 15 माइनस करोगे तो यहां 5 आएगा, यहां 7 आएगा, तो ये क्या हो गया साइन 90 माइनस थीटा,
कॉस थीटा, तो कॉस 23 प्लस साइन 50, तो ये कोण आपके 0 से 45 के बीच आ गए। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है इस एक्सरसाइज का, इसको कर लीजिएगा, नेक्स्ट एक्सरसाइज बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।